हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो बहुत बड़ी जानकारी आ गई है कि आगे आने वाले दिनों में आपके डीजल और पेट्रोल महंगे हो सकते हैं। क्या है बड़ी जानकारी, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आम आदमी को बढ़ती महंगाई के बीच एक और बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम 7 साल के हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे पहले जनवरी 2014 में कच्चे तेल के दाम $87 के पार पहुंचे थे, और तब भाई साहब डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम $68.87 प्रति बैरल था, जो $86 प्रति बैरल के ऊपर अब पहुंच चुका है। यानी 1.5 महीने के भीतर अगर आपके कच्चे तेल के दामों में 26% की तेजी आई है। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक जा सकती है। इससे अगले 1 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और साथियों हम आपको बताते हैं कि क्यों डीजल पेट्रोल अब कच्चा तेल आपका महंगा हो रहा है। तो दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी इस समय तनाव का माहौल है। यानी जो आपके तेल उत्पादक देश हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, आपका संयुक्त अरब अमीरात है, तो यहां पर साथियों तनाव का माहौल है। संयुक्त अरब अमीरात में सोमवार को एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एक नए संकट को जन्म दिया है, जिससे तेल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बाजार जानकारों का कहना है कि इन घटनाओं का कच्चे तेल के उत्पादन और मांग पर साथियों क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब आपको साथियों हम बताएंगे कि किन कौन सी चीज़ें आपके डीजल पेट्रोल के तेल या तेल के जो रुपए मानक होते हैं उनको निर्धारित करते हैं साथियों। तो कच्चे तेल की कीमत, सबसे पहले तो हम दूसरे देशों से कच्चा तेल मंगाते हैं। इसके बाद रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स, और देश में फ्यूल की मांग, यानी आपके डीजल पेट्रोल की मांग आपके डीजल पेट्रोल के रेट को निर्धारित करती है। तो साथियों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। अपने और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।